थोड़ा ड्रोन उड़ाना सीख गया हूँ। मतलब ये आपके वहाँ चोरी का माल आया होगा, सब चोरी का? हाँ, पचास रुपए का दे रहे हो टोटल। सुबह से यहाँ पर चोर बाजार लगा हुआ था और अभी इसको भी ले लेते हैं हम लोग। मेरा स्वामी न होए उदास। 249 में कुछ नहीं है ऐसा? नहीं। तो भाई जी ने भी चैनल पूछा और सब्सक्राइब कर दिया है। पहुंच चुके हैं ड्रोन लेके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। खरीदने वाले हैं ड्रोन और आपको सारा का सारा चीज दिखाएंगे। हम लोग अभी कोको स्ट्रीट मार्केट को देखो भाई, बिल्डिंग्स इतने बड़े हैं कि दिख ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर हमारा जरूरी काम है एक। तो अभी ड्रोन की टेस्टिंग हो रही है और अभी ड्रोन ऊपर चले गया। तो ड्रोन बहुत ज्यादा ऊपर पहुँच गया है और ये भैया हैं जिनके वहाँ से मैं ड्रोन खरीद रहा हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाना सीख रहा था और थोड़ा बहुत उड़ाना सीख रखा है मैंने। देखते हैं और क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसमें, क्योंकि भाई ड्रोन भी जरूरी है पहाड़ों में अगर रह रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए। और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग तो मैंने सीख ली है। कितने का प्राइस होता है ये विद कॉम्बो किट के साथ? 1,05,000। अच्छा, 1,05,000 मतलब 1,05,000 का। हाँ, और विदाउट कॉम्बो के साथ? विदाउट कॉम्बो इसका प्राइस रहता है 85,000 तक। कॉम्बो किट में 3 बैटरी, चार्जिंग हब, बैग, केबल्स, ये सब एक्स्ट्रा मिलता है। इसका वेट आई थिंक 249 ग्राम होता है ना? और जैसे कि मैंने YouTube में भी देखा और लॉ भी पढ़ा है कि हमारे जो गवर्नमेंट कहते हैं मतलब 250 ग्राम के बाद तो आई थिंक सरकारी लाइसेंस रिक्वायर्ड है। 249 में कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ना, नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। और 120 मीटर तक उड़ा सकते हैं। हाँ जी। तो दे दिया भाई और ये सब आप लोगों के बदौलत थे, तो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए। मेरा मकसद है कि YouTube में मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, पहाड़ों की हर एक संस्कृति धार्मिक चीजों को दिखाऊं। तो भाई जी ने भी चैनल पूछा और सब्सक्राइब कर दिया है। भाई जी मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, अभी तो पहचान नहीं, लेकिन चलो भाई भाई बन गए। काश रक्षाबंधन से पहले मिले होते तो बढ़िया होता। नहीं तो ये राखी भाती बहन और आपको गिफ्ट देना पड़ता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, कितने भाई बहन है आप? मैं अकेला। अरे यार, तब तो राखी बात है तो आप अच्छा लगता है। राखी लेके नहीं आए आप? अच्छा, सिंगल आप? नेक्स्ट टाइम पक्का डन है। ब्रांड का नाम ड्रोन दुनिया है। वेबसाइट भी है हमारी। अच्छा, वेबसाइट बता दीजिए। drondunia.com जी के नाम से वेबसाइट। अगर नंबर भैया मेंशन कर देंगे। हाँ, और अगर आपको ड्रोन चाहिए भाई, चाहे आपको फर्स्ट हैंड चाहिए या विद कॉम्बो किट के साथ चाहिए, विदाउट कॉम्बो किट के साथ चाहिए या सेकंड हैंड भी चाहिए, तो ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा और नीचे दिख रहा होगा ये, तो आप लोग इसमें कॉल करिए या मुझे बताइए, तो आप लोग बढ़ा करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। और मतलब डिलीवरी भी हो जाती है? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, पैन इंडिया डिलीवरी। और नाम आपका? राघव। तो थैंक यू सो मच। फाइनली पहुँच चुके हैं ड्रोन लेके हम लोग घर पे। और आज संडे का दिन है, दिल्ली में हूँ और यहाँ पर लगा हुआ है चोर बाजार। चोरी का चीज मिलता है कहते हैं, लेकिन हकीकत आज आपको दिखाएंगे। पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे और सोच समझ करके जाना है। कितने का है? 12,000। अच्छा, तो भाई 1200 का है ये। ठीक लगा दो यार, 1200। 700 रुपए। चलो अभी आते हैं फिर। 5 दिन से 800 रुपए का सही लग रहा है। लग रहे तो लग तो अच्छा रहा भाई। और दिखा दो यार। और अच्छा, पानी में भी खराब नहीं होगा? पानी इसको डाल के देखो, तुम रगड़ के देखो अगर ठीक है भाई। जी जोर दो सामान। चोरी का माल? उल्ली पेंट चोरी का है। उल्ली? अच्छा अच्छा, ऐसी है? ऐसी है उल्ली पेंट का। अच्छा, एक कितने का है? 100 रुपए। और ये रहा क्लिनिक प्लस, और बता रहे थे कि ये चोरी का माल है, तभी जाके सस्ते में 100 रुपए में दे रखा है। और ज्यादातर वहाँ पर जूते का ही सामान था और शैम्पू का सामान था, बहुत सारी चीजें। मतलब एक दो बंदे मिले थे मोबाइल वाले की, तुम्हें मोबाइल चाहिए करके, तो 5,000 में वो बोले थे कि हम तुम्हें मोबाइल देंगे। और हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं करा, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर चोरी का माल भी था। तो ये पूरा रहा दोस्तों आपका चांदनी चौक टू चाइना। रास्ते के सामने दोस्तों आपको लाल किला के बगल में यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंदिर दिखेगा। सामने दोस्तों देखिए लाल किला है, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। अभी सुबह का समय है तो प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो भाई अभी यहाँ पर मिल गया है, ये देखो आईफोन का पूरा वो स्मार्ट वॉच, और साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। भाई कितने का है ये? 3,000 रुपये का। अच्छा, तो ये सारा मतलब ये आपके वहाँ चोरी का माल आया होगा, जो जिन्होंने दिया होगा सब चोरी का? हाँ। अच्छा, लाल कहाँ पर पड़ेगा? लाल किला पर ना? अच्छा, मतलब यहाँ पर जितने भी सारा सामान चोरी का है। तो भाई कम हो जाएगा रेट, बात करके कम हो जाएगा रेट। तो पहले कितने? 3,000 का दे रहे थे, अब कितने में दोगे लास्ट में? 50 कम दे दो। 50 रुपये का दे रहे हो टोटल? 50 कम दे दो। 50 कम दे दो। तो भाई अपने हिसाब से बात कर ले लेते हैं हम लोग। ये अभी सुबह का समय हो गया भाई, हम लोग 4:30 बजे से यहीं पर हैं। और ये देखो अभी कपड़े वपड़े सारे का यहाँ पर लगा पड़ा है। तो ये रहा भाई स्मार्ट वॉच एप्पल का। तो ये देखो भाई अभी इसको भी ले लेते हैं हम लोग।
देखो सुबह से यहाँ पर चोर बाजार लगा हुआ था और अभी भी लगा है, और संडे के दिन यहाँ पर चोर बाजार लगता है। दिल्ली मार्केट के चांदनी चौक के जस्ट बगल में है ये भाई। देखो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा बहुत बाहर पे आया हूँ और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमेशा टूर्नामेंट होते हैं या मैच खेलते हैं रात के समय में भी। तो आज चल रहा है यहाँ पर फाइनल और बहुत सारे लोग हैं। अभी दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और दीदी अभी ड्यूटी से इधर पे आई है मिलने के लिए, क्योंकि मैं कल जाने वाला हूँ उत्तराखंड की ओर। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। तो मैं अभी आ चुकी हूँ गौर सिटी, अभी जस्ट ड्यूटी से मैं अभी फ्री हूँ 6:30 बजे और मैं निकल गई थी 7 बजे के करीबन अपने घर से। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर आने क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार दीदी एक गाना गा दो, पहाड़ी गाना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते ना कि आपकी दीदी उत्तराखंड से है क्या, क्योंकि हो सकता है मैं शक्ल से लगती ना हूँ पर हाँ मुझे पहाड़ी भी बोलनी आती है और मुझे पहाड़ी समझ में भी आती है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाऊंगी। पर कौन सा गाना सुनाऊंगी? न्यारा स्वामी न होए उदा सा घर आया परदेस जा, न्यारा स्वामी न होए उदा सा घर आया परदेस जा, मेरो मांगे कि सिंदूरिया उमर जैसे या कैसी बया, मेरो मांगे कि सिंदूरिया उमर जैसे या कैसी बया, ससु सोरे को गाए ले पड़ी रे डाड़ डाड़ यहाँ, मेरा स्वामी न होए उदा सा घर आया परदेस जा। दीदी से मिलके भी अच्छा लगा, फिर या तो नहीं आए क्योंकि उसकी ड्यूटी है, दीदी ड्यूटी से यहाँ पर आई है क्योंकि कल या परसों मैं यहाँ से गांव जाने वाला उत्तराखंड की ओर, क्योंकि फैमिली को भी देखना है और मैडम जी की प्रेगनेंसी चल रही है, आपको पता है, उसकी देखरेख भी करनी है, अल्ट्रासाउंड उसका एक और कराना है। और ड्रोन भी मैंने ले लिया है, वो इसलिए कि मैं आपको पहाड़ के हर एक चीज़ दिखाऊँ ना, पहाड़ की जो हवाई चीज़ें से किस प्रकार से नज़ारे दिखते हैं वो भी आपको दिखाना जरूरी है। रुक जा, सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, अब राहुल की जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड का, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे यहाँ लोग होते, वो डेली ब्लॉग बनाता है, मतलब डेली जो रूटीन का, जो हमारा रूटीन होता है वो डेली बेसिस पे जो ब्लॉग बनाता है वो रियल दिखाता है, वो कुछ भी अपने वीडियोज में फेक नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा भाई है मुझे पता है, वो जो भी घर में होता है, जो भी अपने अगल बगल में होता है, हर चीज़ रियल दिखाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी फैमिली इतनी खुश है, फेक है, मेरी फैमिली बिल्कुल भी फेक नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहते हैं। और सेकंड थिंग, मेरे भाई ने अभी ड्रोन लिया हुआ है, ड्रोन आपका जो कैप्चर करेगा वो सारा जितना भी पूरा नामिक गाँव है वो कैप्चर करेगा, तो वो आप लोग देखिए। आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, देखो तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है यार। बिल्कुल, एक वीडियो देखने में क्या जा रहा है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, 12 बज रहे हैं रात के, तो थोड़ा बहुत हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं कैसा माहौल है नोएडा, मतलब बहुत बेकार लगा यार सच में। और अभी हम लोग चल रहे हैं सारे के सारे घर की तरफ, मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।